हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्लॉग एंड पोएट्री। फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति के दिन पे घाट पे मेला लगता है, तो हम आपको ले चलेंगे बनारस के घाट पे। यानी इस बार हम बनारस के रंग में आपको दिखाएंगे बनारस के घाट, अस्सी घाट पर ले चलेंगे। चलेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। और हमको ज्वाइन कर रही हैं मान्यता सिंह और स्पर्श सिंह। दोस्तों, वाराणसी में तीन नदियां बहती हैं, वरुणा, अस्सी और गंगा। और इसी वरुणा और अस्सी के नाम पर इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा है। और अस्सी नदी यहीं पर गंगा में आकर मिलती है, इसलिए इस घाट को अस्सी घाट कहते हैं। पौराणिक कथाएं भी कई हैं इसको लेकर। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी घाट पर एक गुफा में रामचरितमानस की रचना की थी, और इसी घाट पे उन्होंने अपना देह भी त्यागा था। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का दिन है और यहाँ पर फ्री में दही और चूड़ा खिलाया जा रहा है, तो लोग खा रहे हैं। लेकिन हम तो घर से खा कर आए थे, तो बस हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मेले का सीन भी आप देख लीजिए। दोस्तों, राजनीति के बड़े बड़े बहस जो आपको टीवी पे दिखाई देते हैं, इसी घाट पे होते हैं। दोस्तों, कैंट रेलवे स्टेशन से आप सीधे लंका आ जाइए, और लंका से कई ऑटो कई रास्ते जाते हैं अस्सी घाट। ये है बनारस का अस्सी घाट, और हम आपको ले चल रहे हैं वो झूला पर, और हम भी झूला झूलने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ का अस्सी घाट और मजे लीजिए। ये बनारस के अस्सी घाट का सीन है। ये अस्सी घाट बहुत बड़ा है, और यहाँ पे पप्पू का चाय का दुकान फेमस है। अगर हमें दिख जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग झूले का मजा लेने जा रहे हैं, आप भी आइए। दोस्तों, सुबह और शाम की गंगा आरती अस्सी घाट से आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है ये घाट। तो आप बोट पे जाके या फिर उस पार से बड़े अच्छे से देख सकते हैं, और उस पार तो बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। हम आपको घाट के उस पार जाकर वहाँ की मस्ती दिखाते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बोट चल चुका है, और फर्स्ट टाइम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पति देव हैं डॉक्टर डीबी सिंह। जल्दी कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं तो आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, हमारी बोट चल चुकी है। ये दोस्तों उस पार का नजारा है। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे मणि का जबरदस्त परफॉर्मेंस नैनो वाले ने। तो ये इस पार का व्यू है, आप देखिए पूरा दूर तक आपको रेत ही दिखेगा। Take it out.
पीछे हो तुम, थोड़ा और पीछे चलो, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन आया है फर्स्ट। रेडी? हाँ अब हो गया, चलो दूर से अच्छा है, अब चलेगा तब समझ में आएगा, पकड़ लेना अच्छे से, भैया गिरेगी नहीं ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अरे यहीं खड़े रहो ना, तुम देखते रहो। ये लेंगे भाई हो? हाँ चलिए चलिए। दोस्तों कसम से बहुत मज़ा आया, और बनारस में 84 घाट हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक घाट की विशेषता बताएं और हर एक घाट को आपको घुमाकर खुद दिखाएं, और आपसे निवेदन करें कि आप एक बार बनारस ज़रूर आइए, यहाँ के घाटों पर देखिए, गंगा आरती देखिए, सुबह का सूर्योदय देखिए और शाम का भी गंगा आरती देखिए, और धन्यवाद हमारा।